आप सभी लोगों का हमारी शमाज गार्डनिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए इतने प्यारे प्यारे से प्लांट्स लेके आई हूँ जिनको आप अपने घर में ग्रो करेंगे या लगाएंगे तो घर का जो वातावरण है नेगेटिव थिंकिंग है घरों में वो दूर होगी। और प्लांट्स वैसे ही सारे बहुत अच्छे होते हैं। प्लांट्स हम अपने घर में लगाएं तो इससे हमारे घर का जो माहौल है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। आज मैं कुछ चुनिंदा लकी प्लांट्स लेके आई हूँ जिनको हम घर में लगाने से हमारे घर की जो नेगेटिव एनर्जी है वो पॉजिटिव में हो जाती है, घर में जो तनाव होता है वो दूर होता है। देखिए, कोई भी चीज़ हम अपने घर में ऐड करते हैं तो उससे हमारे घर का माहौल बहुत अच्छा होता है। और स्पेशली फ्लावर प्लांट्स, फ्रूट्स प्लांट्स हो, फ्लावर प्लांट्स हो, अपनी अपनी उनके ईश्वर ने एक धारणा बनाई है हम लोगों ने कि जिस प्लांट को हम लगाते हैं उससे हमारे घर में जो अच्छा वातावरण बनता चला जाता है और घर का माहौल बहुत अच्छा होता है। प्लांट तो सारे बहुत लकी होते हैं, सारे बहुत खूबसूरत होते हैं और सबकी नेगेटिव जो हमारे घर की एनर्जी होती है वो पॉजिटिव में बदलने की ताकत होती है। तो पौधों से पृथ्वी हमारी जिंदा है, पृथ्वी से और हमारे जो पृथ्वी पे हम जीवन हमारा है वो हमारे पौधों के वजह से बहुत अच्छा है। अगर हमारे पृथ्वी पे पौधे अच्छे नहीं होंगे तो हमारे जो पृथ्वी की प्रदूषण है वो ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी जिससे हमारा जीवन अधूरा हो जाएगा और जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत खूबसूरत लकी प्लांट्स के बारे में। तो नंबर वन, ये प्लांट्स आप देख रहे हैं बहुत खूबसूरत होते हैं, गुलाब की तरह इसका रोज़ होता है। इसकी धारणा ये है कि जिनके घर में प्रॉब्लम है, बच्चियों की शादियाँ नहीं हो रही हैं, तो इनके जो फूल ला के हम घर में रखते हैं तो बहुत जल्दी होने की कोशिश होती है और घर में जो प्रॉब्लम है वो बहुत जल्दी दूर हो जाती है। इन फूलों के घर में लगाने से बहुत अच्छा, आप इनके फूल ही ला के रखें फिर भी फ़र्क देखिए कितना अच्छा होता है। हमारी जो सोच है, हमारी अच्छी सोच रखनी चाहिए कि फूल हमारे सारे अच्छे होते हैं, मगर कुछ फूल ऐसे होते हैं जो बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही खूबसूरत होते हैं। तो इनको आप अपने घर में ज़रूर ग्रो कीजिए, आसपास की नर्सरी में चेक कीजिए, आपको मिल जाएंगे। देखिए, कभी कभी कोई कोई सीज़न रहता है जो प्लांट्स हम लोगों को नहीं मिलता है, मौसम के ऊपर डिपेंड होता है, तो इस प्लांट को जरूर अपने घर में लगाइए, बहुत खूबसूरत, कई फ्लावर्स इसके अच्छे होते हैं, फूल अच्छे होते हैं। आप जो सेकंड देख रहे हैं, सेकंड नंबर जो फूल देख रहे हैं, इसमें वाइट क्रीम कलर का फूल होता है, बहुत प्यारे, छोटी होती है, एक जमीन में फैली हुई बेल जैसी होती है, उसमें ये फूल खिलते हैं। इसकी 3 लीव्स होती है, बहुत अच्छी होती है और इससे हमारे घर में बहुत शांति रहती है, सुख समृद्धि बढ़ती है और नेचुरल जो हमारे घर में माहौल है वो बनता चला जाता है। नेचुरल अच्छा माहौल बनता जाएगा तो हमारे घर की जो परेशानियाँ वो सारी दूर हो जाएंगी और बहुत आसानी से बढ़ती हैं। चाहे आप इनको हैंगिंग बास्केट में लगा लीजिए, चाहे किसी तरह के छोटे छोटे पॉट में भी इनको ग्रो कर सकते हैं, बहुत ईजी ये ग्रो हो जाते हैं। अब आते हैं जो आप प्लांट देख रहे हैं, बहुत अच्छा प्लांट्स होता है, इसमें जो फूल खिलते हैं इसमें 2 या 3 कलर के मैंने फूल देखे हैं, जिससे आप लोग लगेगा कि कोई बटरफ्लाई है, ये सॉरी इस जैसे आप कोई पिजन देखेंगे या कोई बड़ा पक्षी देखेंगे, दिख रहा है ना आपको, ऐसा लग रहा है ना, मत इस प्लांट को भी लगाने से बहुत अच्छा माहौल होता है, हमारे घर की सुख शांति समृद्धि अब सब बढ़ती है। तो प्लांट घरों में लगाइए, फिर देखिए इनके जो अच्छी एनर्जी होती है वो आपके घर में एंटर जरूर करेगी। अब मैं जो आपको दिखा रही हूँ, इसमें जो आप देख रहे हैं, इस प्लांट को हम अपने गार्डन में लगा सकते हैं, ये कम से कम 5 फीट तक का हो जाता है, इसके लीव्स के कलर भी बहुत प्यारे प्यारे हैं, तो इसमें जो लगते हैं दानेदार ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। इन चीज़ों को आप अपने घर में लगाएंगे या गार्डन में हो या टेरेस पे हो या आप पॉट में लगाइए, फिर इनका रिजल्ट देखिए, आपको खुद पता चलेगा कि कितने प्यारे प्लांट्स होते हैं और कितने खूबसूरत हमारे घर का माहौल बना देते हैं। तो ऐसे प्लांट हम अपने घर में ज़रूर ऐड करें। अब आप देखते हैं इस प्लांट के बारे में तो सभी लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, ये आपको पास में रोडों पे किनारे कहीं पे भी मिल जाते हैं, मगर बहुत से लोगों की इनकी गलत धारणा है, मन नहीं, सारे प्लांट्स बहुत अच्छे होते हैं, हमारे लिए बहुत लकी होते हैं, मगर इनको वास्तुशास्त्र के हिसाब से रखिए, फिर देखिए आपके घर का जो निगेटिव एनर्जी है वो पॉजिटिव में बदलने में कितनी देर लगती है और कितना अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो ऐसे प्लांट हम लगाइए, बहुत बुशी होते हैं, ज़बरदस्त इसकी फ्लावरिंग करते हैं, सालों साल आपको फूल देते हैं, तो बहुत प्यारा लगेगा आपका घर। अब आ जाते हैं लक्ष्मण, ये और बहुत अच्छे इसके फूल होते हैं, बेल एक श्रब होती है जिसे हम अपने घर में चढ़ा सकते हैं, इसकी जो वनस्पति और इसमें आयुर्वेदिक में बहुत इसका उपयोग है, जो उपयोग है तो समझ लीजिए हमें इसे भी लाभ होता है। ये पहाड़ी एरियों में बहुत आसानी से मिल जाते हैं और वहाँ आपको ये बहुत अच्छा आयुर्वेदिक में यूज होता है इनका।
अब आते हैं जो आप देख रहे हैं इसके खूबसूरत फूल होते हैं, बहुत अच्छे से कलर में आते हैं, वाइट क्रीमी येलो, और ईज़िली आपको हर नर्सरी में मिल जाएंगे। और इनको घर में लगाइए, फिर इनका घर में लगाने के बाद आप रिज़ल्ट देखिए। तो जो मैं आपको दिखा रही हूँ आज जो फूल प्लांट्स, इन सब के बारे में अगर ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो मैं आपको इनके सब के नाम बताती जा रही हूँ, इनकी थोड़ी सी जानकारी देती जा रही हूँ। इन प्लांटों को ज़रूर अपने घर में ग्रो कीजिए, पॉट्स में भी ईजिली ग्रो हो जाते हैं और बहुत अच्छी इसकी फ्लावरिंग होती है। तो फूल भी मिल रहे हैं और लक्की भी हैं प्लांट्स हमारे लिए। आप ये अब जो दिख रहे हैं हार्ट की शेप में प्लांट्स, ये हमारे यहाँ बहुत अच्छे से लग जाएगा, सिर्फ इसकी लीव से लगता है और ये बेल की तरह चढ़ता चला जाता है, बहुत खूबसूरत लगते हैं और बहुत प्यारा प्लांट्स होता है। इसको हम इंडोर आउटडोर सब जगह रख सकते हैं और बहुत खूबसूरत इसकी जो ग्रोइंग का टाइम भी बहुत अच्छा है, इसको बढ़ने का भी टाइम बहुत अच्छा है। देखिए एक सिर्फ लीव्स लगाइए और फिर देखिए कितनी अच्छी इसकी एक लेंथ बनती चली जाएगी, और जिससे घर का लुक भी बहुत अच्छा आने वाला है और छोटे छोटे पॉटों में ये लग जाता है, कटिंग से ईजिली लगते हैं। आप जो देख रहे हैं रबर प्लांट के बारे में सभी लोग बहुत आसानी से जानते हैं, रबर प्लांट्स की एयर प्योरीफाई प्लांट्स हैं और ये बहुत लक्की होते हैं और कई जगह इनकी पूजा भी होती है, बहुत अच्छे माने जाते हैं। वृक्ष बहुत अच्छे होते हैं हमारे जीवन में, बहुत उपयोगी होते हैं। ये दो वैरायटी में आता है, आपको दो वैरायटी कलर्स काफ़ी अच्छे अच्छे आते हैं, मगर आपको इस तरह से लीव वाले भी दिखेंगे और प्लेन भी ब्राउन भी इस तरह के लीव्स मिलेंगे और बहुत ग्रोथ अच्छी होती है। इन प्लांटों को घर में ऐड कीजिए, फिर मुझे ज़रूर आप कमेंट्स करके बताएंगे, एक बार इसको चेक जरूर कीजिए। अब जो आ रहे हैं इंडोर प्लांट्स हैं और आउटडोर भी है तो शेडी एरिया का है, और इसके फ्लावरिंग भी बहुत प्यारी होती है और ये बहुत लकी होते हैं। इनको हम अपने घर में या ऑफिस में कहीं पे भी लगाइए, फिर इनका रिजल्ट बहुत अच्छा आपको मिलेगा और फिर आप देखिए कि लुक भी बहुत अच्छा आता है। टेबल पर रखिए या सोफे के पास रखिए, डाइनिंग टेबल के पर रखिए या ऑफिस में रखिए, फिर देखिए रिजल्ट बहुत अच्छा मिलने वाला है आपको और ईजिली ग्रो हो जाते हैं। और कई एक प्लांट से हम कई प्लांट बना सकते हैं, ऐसे प्लांट्स घर में ऐड जरूर कीजिए। अब आते हैं स्नेक प्लांट के बारे में, सभी लोग जानते हैं कि कई वैरायटी आई थी, एयर प्योरीफाई प्लांट्स है, कितना फ़ायदेमंद प्लांट्स हैं। आपके बिजनेस में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, इन प्लांटों को अपने घर में लगाइए, फिर देखिए रिजल्ट कितना अच्छा मिलने वाला है। हर प्लांट की अपनी अपनी एक इमेज है और एक एक उनके पास खूबियाँ हैं जो हमारे पृथ्वी पे इसीलिए पैदा की गई, जो हमारे मनुष्य जीवन में इतनी प्रॉब्लम हो रही है उनको दूर करने के लिए ईश्वर ने हम सबको ये प्लांट्स हैं इस तरह के दिए हैं। उनकी थोड़ी सी जानकारी हो जाए और अपने घर को सजाएं इन प्लांटों से, ये कटिंग से भी बहुत ईजीली लग जाते हैं। अपने खूबसूरत घर को बनाने के लिए, खूबसूरत घर में जो प्रॉब्लम हो रही है उनको दूर करने के लिए ऐसे प्लांट हम अगर ग्रो करते जाएंगे, लगाते जाएंगे, फिर उनका रिजल्ट बहुत अच्छा और फिर आपको प्योर हवा भी मिलेगी, जो प्रदूषण इतना ज़्यादा फैल गया वो दूर हो जाएगा। तो ऐसे प्लांट हम क्यों नहीं अपने घर में लगाएं, ऐसे लगाइए तो जिससे आपका रिजल्ट भी आपको अच्छा मिलेगा। आपके बादशाह के हिसाब से रखिए, कैसे भी रखिए, आप बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाला है। तो इसकी कोशिश की है मैंने आपको छोटी सी, इन प्लांटों के बारे में आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी दी है। ज़्यादा जानकारी के लिए आपको और कमेंट्स कर सकते हैं, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल बटन दबाना ज़रूर याद रखिए, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सकें। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद।